यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी संस्कृत खंड संस्कृत दिग्दर्शिका का तीसरा पाठ सदाचारोपदेशः, अर्थात सदाचार के उपदेश। और ये इस पाठ का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं 9वें श्लोक से। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। देखिए अभिवादन शीलस्य अर्थात अभिवादनशील, अभिवादनशील का क्या मतलब होता है? बड़ों को प्रणाम करने वाले का। अस्य अर्थात का होता है, तो अभिवादनशील कौन होता है? जो बड़ों को प्रणाम करने वाला। और अभिवादनशीलस्य अर्थात बड़ों को प्रणाम करने वाले का। नित्यम अर्थात सदा, और वृद्धोपसेविनः, वृद्धः प्लस उपसेविनः, वृद्धः प्लस उपसेविनः, वृद्ध अर्थात बड़े बूढ़ों की, और उपसेविनः अर्थात सेवा करने वाला। चत्वारी अर्थात चार, तस्य अर्थात उसकी, वर्धन्ते अर्थात बढ़ते हैं, आयुर्विद्या, आयुः प्लस विद्या, आयु अर्थात उम्र, और विद्या अर्थात विद्या, यश अर्थात यश, कीर्ति, और बलम अर्थात बल। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो देखिए जो अपने बड़ों, अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले तथा नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला होता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों की, चत्वारी अर्थात चारों की वृद्धि होती है, वर्धन्ते अर्थात वृद्धि होती है। होप आपको समझ में आया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाला तथा नित्य अर्थात सदा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला होता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों की वृद्धि होती है। बहुत इजी था, होप आपको समझ में आया। आगे देखते हैं 10वें श्लोक को। वृत्यम यत्नेन संरक्षित वित्तमायाति याति च अक्षिणौ वित्ततः क्षिणौ वृतस् वृत्तस्तस्तु हतौ हतः। देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ को। वृत्तम अर्थात चरित्र, यत्नेन अर्थात यत्न पूर्वक या प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित अर्थात रक्षा करनी चाहिए, वित्तम प्लस आयाति, वित्तम अर्थात धन, और आयाति अर्थात आता है, और याति अर्थात जाता है, च अर्थात और। अर्थात देखिए चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम अर्थात धन तो आयाति याति च, क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है, आता और जाता रहता है। अक्षिणों वित्ततः, क्षिणों वित्ततस्तु हतो हतः, अक्षिणों वित्ततः अर्थात धन के नष्ट होने से व्यक्ति की कोई अक्षिण अर्थात हानि नहीं होती है। अक्षिण का अर्थ क्या होता है? हानि न होना, और क्षीण यानी कि हानि होना। वित्ततः अर्थात धन, धन की हानि होने से, या अगर किसी मनुष्य की अगर धन की हानि हो जाए तो उस व्यक्ति पर कोई विशेष हानि नहीं होती है। लेकिन वृत्त वृत्तमस्तु, वृत्तम अर्थात चरित्र की अगर हानि हो जाए तो वह व्यक्ति हतो हतः अर्थात मरे हुए के समान हो जाता है। हतः का अर्थ क्या होता है? मरा हुआ व्यक्ति। और वृत्तम अर्थात चरित्र, अगर व्यक्ति की, व्यक्ति का अगर धन नष्ट हो जाए तो उसकी कोई बड़ी हानि नहीं होती है, लेकिन अगर उसका चरित्र अगर नष्ट हो गया तो वो मरे हुए के समान हो जाता है। होप आपको 10वां श्लोक अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं 11वें श्लोक को। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। सत्येन अर्थात सत्य से, रक्षते धर्मो अर्थात धर्म की रक्षा होती है, रक्ष्यते अर्थात रक्षति, सत्य से धन की रक्षा होती है, विद्या योगेन रक्षते अर्थात योग से विद्या की रक्षा होती है, योगेन अर्थात योग से, योग अर्थात प्रयोग से, निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है,
अगर आप किसी विद्या को जानते हैं, अगर आप उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप उस विद्या को निश्चित ही भूल जाएंगे। चाहे वो आपकी पढ़ाई की विद्या हो या कोई भी आपसे काम से रिलेटेड विद्या हो, अगर आपने उसके अभ्यास नहीं जारी रखी तो आप उस विद्या को ज़रूर भूल जाएंगे। तो योग से ही अर्थात अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृजया अर्थात स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। मृजया का अर्थ क्या होता है? स्वच्छता, और रूपम अर्थात रूप। स्वच्छता से ही रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, वृत्तेन अर्थात चरित्र से, चरित्र से कुल की रक्षा होती है, कुल अर्थात वंश की रक्षा होती है। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपका कुल बचा रहेगा, अगर आपका चरित्र नष्ट हो गया तो आपका कुल भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए चरित्र से कुल की रक्षा होती है। ठीक है, तो ये 11वां श्लोक आपको समझ में आया। आगे देखते हैं बारे में श्लोक को। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवर्धा वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। श्रूयताम अर्थात सुनो, धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म का सार सुनो, और च अर्थात और, श्रुत्वा अर्थात सुनकर मन में, अपि वधार्यताम, वधार्यताम अर्थात धारण भी करो, धर्म का सार धारण भी करो, धर्म का सार सुनो और उसे सुनकर उसे धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरित, क्योंकि जो कार्य आत्मनः प्रतिकूलानि अर्थात अपने, आत्मनः अर्थात अपने, और प्रतिकूलानि अर्थात विरुद्ध हो, जो अपने विरुद्ध हो, जो कार्य अपने विरुद्ध हो, उसका आचरण परेशान अर्थात दूसरों के साथ न समाचरित अर्थात न करो। जो भी कार्य अपने प्रतिकूल ना हो, अपने विरुद्ध हो, आत्मनः प्रतिकूलानि अर्थात अपने विरुद्ध हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ, परेशान न समाचरित अर्थात दूसरों के साथ वैसा आचरण कभी ना करो। वो कहते हैं ना कि जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार आपको मिलेगा, है ना। तो अगर आपको कोई आचरण अच्छा नहीं लगता तो वैसा आचरण कभी दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो यही इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो धर्म का सार सुनो और उसे सुनकर धारण भी करो। च अर्थात और, अपि अर्थात भी, और अवधार्यताम अर्थात धारण करो, सुनकर उसे धारण भी करो, और जो अपने प्रतिकूल अपने विरुद्ध हो, जो आचरण अपने विरुद्ध हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ भी ना करो। ठीक है, होप ये 12वां श्लोक भी आपको समझ में आया। तो यहाँ पर ये तीसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट भी यहीं समाप्त होता है। होप आपको पूरा पार्ट आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।